हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कार ऑटो शो। 4 लाख से स्टार्ट होने वाली इस माइक्रो एसयूवी के अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म टाटा अल्ट्रोस में यूज किया गया है, क्योंकि टाटा अल्ट्रोस के अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है ग्लोबल NCAP में, और वही प्लेटफॉर्म आपको इस माइक्रो एसयूवी के अंदर यूज किया जाएगा, क्योंकि टाटा अपनी इस HBX को बहुत तेजी से टेस्टिंग कर रही है, क्योंकि टाटा HBX को लॉन्चिंग से पहले प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स को स्पाइक किया गया है। एक बार फिर से टाटा HBX को स्पाइक किया गया है, मतलब कि टाटा अपनी HBX को फेस्टिवल से पहले ही लॉन्च करने वाली है। इसका मतलब यह है कि टाटा HBX आपको इस सितंबर के महीने में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसका जो डेब्यू है वो सितंबर के महीने में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि टाटा बहुत लंबे समय से डोमेस्टिक मार्केट में HBX को कॉम्पैक्ट बेस माइक्रो SUV को टेस्ट कर रही है। क्योंकि टाटा HBX की कुछ स्पाइस शॉट्स की फोटो मेरे पास आई हैं। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और इस गाड़ी को बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो, और आप खुद सोचो यार, जब इसकी इंस्पिरेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी धांसू होने वाली है। और आप इसके स्टीयरिंग व्हील पे एक राइनो की फोटो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस गाड़ी की लेंथ, हाइट और विड्थ की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ है 384 mm, और हाइट है इसकी 1635 mm, और इस गाड़ी की विड्थ है 1822 mm। और इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको अल्ट्रोस और नेक्सॉन वाला ही 7 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और इसके अंदर आपको आयरा कार कनेक्टिविटी मिलने वाली है, और इसके अंदर आपको डिजिटल और अनलॉक वाला दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 85 BHP वाला पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके अंदर टाटा टर्बो इंजन भी ऑफर कर सकती है, जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा 100 BHP की पावर और 200 Nm टॉर्क तक दे सकता है। माइक्रो SUV की डिमांड्स को तमाम कंपनी ने अपनी माइक्रो SUV को लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया है। और आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि टाटा HBX का प्रोडक्शन मॉडल कैसा रहने वाला है, यह मॉडल कितना ज़्यादा कूल और धांसू दिख रहा है, बहुत हैवी दिख रही है टाटा HBX। यह SUV बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी स्टाइल में आने वाली है। और अब तक सामने आए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें, गाड़ी में आपको शानदार जबरदस्त डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि एक कॉम्पैक्ट लुक में रहने वाला है। और गाड़ी के फ्रंट में आपको और वहीं नीचे की तरफ आपको न्यू हैलोजन फॉग लैंप्स और न्यू शानदार टाटा का ग्रिल देखने को मिलेगा इसके अंदर। और वहीं बैक साइड में आपको एक शार्फिन एंटीना, फुल्ली LED टेल लैंप, और साथ ही इसमें आपको बैक और फ्रंट बम्पर बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर से दिखेंगे। और उसके साथ ही गाड़ी में आपको रूफ रेल, उसके अंदर बिल्कुल न्यू 14 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलते हैं।